बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल किया था, ठीक है, लॉगरिथमिक को लेकर, तो वो ही उसी के ऊपर बेस हुआ एग्जांपल, ठीक है। तो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ क्या करते हैं, पर पहले हम लोग को थोड़ा थियोरी देखते हैं, ठीक है। थियोरी में दिया है, लेट एक्स इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, एक एक्स, ठीक है, एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है, इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड इट्स लॉगरिथमिक वैल्यू विद बेस 10, ठीक है। एक वेरिएबल एक्स है जो कि पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसका लॉगरिथमिक वैल्यू विद बेस 10 हैज कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा, ठीक है। जैसे कि लॉग ऑफ, ठीक है, ये ऐसा दिया है, लॉग ऑफ एक्स, x एक वेरिएबल है, उसका बेस 10 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या मालूम है, कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा मिल रहा है, ठीक है। देन इन x देयर विल बी x माइनस 1, तो x के x में क्या होगा, अल्फा माइनस 1 होगा, ठीक है, अल्फा माइनस 1 जीरोस, देन In x there will be alpha minus 1 zeros between decimal point and first significant digit, ठीक है, decimal point और first significant digit के बीच में alpha minus 1 zeros होगा, alpha minus 1 zeros होना चाहिए, okay, so this is what we have to do. तो चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो हमको क्या दिया है, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.72 raised to 50, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0.72 raised to 50। अगर 0.72 raised to 50 आप करोगे तो एक बहुत छोटा सा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। देन find number of zeros between decimal point, number of zeros between decimal point and first significant digit. तो हमको क्या find out करना, number of zeros कितना है decimal point और first significant digit के बीच में, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, let log of x to the base 10 is equal to log of 0.72 raised to 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 0.72 है, ठीक है, 0.72 को हम लोग कैसा करेंगे, ध्यान दो क्या। अब देखो मैं 0.72 को, ठीक है, 0.72 को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1/100 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डेसिमल रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद 9 8 जा 72, ठीक है, तो 8 को मैं 2 raised to 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 9 को मैं 3² लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने 0.72 को एज इट इज 1/100 कर दिया, ठीक है, बाकी 72 को 2 raised to 3 और इंटू 3 raised to 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और हम लोग ने यूज किया, ये जो 50 है ना, 50 कहाँ आएगा आपको पता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ मैंने 50 नहीं लिखी, ठीक है, 50 लिख दिया, 50 log ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 50 अगर मेरा लॉग अंदर लिया, ठीक है, इसको देखो, इसको लॉग ऑफ 2 raised to 3, ठीक है, इसको ऐसा लिखूंगा, प्लस लॉग ए इंटू लॉग बी, ठीक है, 3 को लॉग बी कहूंगा, तो लॉग ऑफ 3² ये देखो, ये डिनोमिनेटर में 1/100, तो 100 मेरा नीचे, तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस log of 100, ठीक है। और यहाँ पे इसका बेस 10 है, ठीक है, हम
हमने बेस 10 नहीं लिखा है, ठीक है। अब आगे देखो 15, इसको हम लोग ये 3 log of 2 root to the base 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 log of 3 to the base 10 minus log of 100 to the base 10 तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो 15 इंटू ये कितना आएगा, 150 हो जाएगा, 150 log of 2 to the base 10 प्लस 15 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 log of 3 to the base 10 माइनस यहाँ पे देखो log of लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था log of लास्ट मेरा लास्ट वीडियो आप देखोगे log of 100 to the base 10 क्या होता है, what is log of 100 to the base 10 2 होता है, ठीक है। तो अगर ये 2 हो जाएगा तो 50 into 2 कितना हो गया 100। अब इसका सीधा वैल्यू का log of 2 to the base 10 log of 2 to the base 10 कितना है 0.3010 प्लस 100 इंटू 0.477 जो कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हमको वैल्यूज दिया है इसका माइनस 100, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 7। इसका फाइनल आंसर आएगा ना, क्या इसका फाइनल आंसर 7 आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ठीक है, फिर जस्ट आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम हम लोग और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये तो आगे हम लोग अभी अलग टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। ये लॉगरिथमिक का बहुत हम लोग ने लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री होगा, नहीं तो हम लोग ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बेसिक है, बेसिक्स ऑफ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर क्योंकि वो शुरू का बेसिक चीज है, अगर वो नहीं आएगा तो आगे का जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है जो उसमें यूज आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।